Top focus, A new day, but the same old ruckus in parliament as the discussion on the Manipur issue continues to be the bone of contention between the government and the opposition. Now, both Rajya Sabha and Lok Sabha have been rocked with chaos and sloganeering despite efforts to break the logjam. While Lok Sabha remains adjourned till 5 pm, opposition MP staged a walkout of the Rajya Sabha alleging that the mics were turned off. Leader of opposition Malikarjan Karge fumed at Prime Minister Modi's jibes at the opposition and said he should instead speak on Manipur on the floor of the House. Union Minister Piyush Goyal made an intervention and stated that the government is ready to discuss crimes against women without any politics, but similar discussions should happen over Rajasthan and Chhattisgarh as well. पास प्रेसिडेंट्स को ताक पे रख के तार तार करते हुए मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को सस्पेंड किया जा रहा है उसका हम सख्त विरोध करते हैं आज एक प्रयास यह है कि कोई भी शख्स अगर मणिपुर के संदर्भ में आवाज उठाता है तो उसे धमकाया जा रहा है कि आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा हाउस से निकाल दिया जाएगा यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है ऐसे तो विपक्ष बचेगा ही नहीं यह साफ करता है कि बीजेपी छुपाना चाहती है पर्दा डालना चाहती है मणिपुर में हो रहे अत्याचारों पर हैवानियत पे दरिंदगी पे तो हद ही पार की कर कर दी है जब लीडर जब लीडर ऑफ बात कर रहे थे उनके बीच में इंटरप्शन लीडर ऑफ द हाउस खुद कर रहे थे और लीडर ऑफ द हाउस नहीं कर रहे थे तो खुद हमारे चेयरपर्सन कर रहे थे हम बीजेपी के एम कर रहे थे और आज जब उनको बोलने का मौका मिला तो बीचो बीच उनका माइक रोक दिया गया किस तरीके की परंपरा आप शुरू कर रहे हैं किस तरीके की परंपरा आप न्यू इंडिया के तहत बनाने की कोशिश कर रहे हैं और मैं कहती हूं ये न्यू इंडिया नहीं है ये इंडिया भी नहीं है ये भारतीय जनता पार्टी की मनमानी सोच है मनमानी काम है और प्रजातंत्र का गला घोटने का काम है हम सब इसका सख्त विरोध करते हैं इसलिए आज हमने सदन से वॉकआउट किया है और हम उम्मीद करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मणिपुर की घटना को लेकर और मणिपुर को लेकर सदन में चर्चा करेंगे